परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी महसूस करने वाले सारे भैन भाइयों जय मसीह दी। आओ असीं बाणी विचों सिखांगे आत्मक जवानी के बारे, बड़े ध्यान नाल सुनना नौजवानों की जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए, अज नौजवान किस तरह चल रहे हैं। उपदेशक 11वें अध्याय वचन 9 दे विच बड़े ध्यान नाल सुनिए, हे जवान अपनी जवानी विच मौज कर, आते अपनी जवानी के दिनों विच तेरा जी तैनू परचावे, आते अपने मन दे राहां उत्ते आते अपनी अखियां दे वेखण अनुसार तुर, पर तू जान लै जो इन्हां सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर तेरा न्याऊ करेगा। मेरे भैणों ते मेरे भाईओ, जवानी दे बारे परमेश्वर दी बाणी परमेश्वर दा वचन सानूं दसदा कि अपनी जवानी दे विच मौज कर, तैनू अधिकार वा मन मर्जी ना जी। बाणी कहिंदी आ तेरा मन खुश रहना चाहिदा, पर एक गल दा चेते रखी कि तेरा न्याऊ होना, क्योंकि जवानी दे विच हर इंसान बुरे काम पुज पुज के करदा, जान बुझ के करदा, पर तेरा लेखा होना, तेरा न्याय होना। बाणी वेखो वचन सानू दसदा, उत्पत्ति जदों असीं 39 दे दो वचन पढ़ते, यूसुफ दा इतिहास वेखो। यूसुफ ने अपनी जिंदगी दे विच कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। अज हर इंसान दुनियावी सोचा विच आ कि मैं बहुत छेती अमीर बन जावा, बहुत वड्डा इंसान बन जावा, पर बाणी कहिंदी यूसुफ ने ईमान परमेश्वर ते रख्या। पोटीफार दीती भी जुलेखा ने उहदे नाल पाप करन दी कोशिश कीती, पर उन्हें इस पाप तो इनकार कर दिता। उन्हें अपने परमेश्वर निराश नहीं किया, उन्हें दुनिया नू दस्या भी मैं यीशु मसीह दा, परमेश्वर दा, मैं नौजवान वा, मैं चंगी जिंदगी जीन वाला वा। उन्हें शैतान नू शर्मिंदा किया, उन्हें शैतान नू हराया। जुलेखा ने बेशक उन्हें जेल करवा दी, तो परमेश्वर उन्हें जेल विचों कढ़ के राजा बना दिता, पूरी दुनिया का राजा। उहदे भरावां ने भी अपनी जवानी दे विच उहदा धोखा किया, फरेब किया, पर यूसुफ की जिंदगी बहुत पवित्र सी। तुहाड़ी जिंदगी भी इस तरह की पवित्र होनी चाहिए आ, तुहाड़ी जिंदगी बड़ी रूहानियत वाली होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जवानी दे विच आपां बहुत सारे लोगों नूं बचा सकते हैं। ये जवानी नहीं आ, जी जवानी किदां दी आ, सिर्फ अपने खाण पीण दा मतलब, सिर्फ अपने चाल चलना मतलब, सिर्फ अपनी जिंदगी का फिक्र नहीं। नौजवान चाहे तो पूरे समाज नूं बदल सकदा जो उहदे मन च शौक होवे। तीन नौजवानों की एक मैं होर साखी दसण लगा, दानियल की पोथी 3:21 तो 26 तक आप जो पढ़ते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो, इन्होंने मूर्ति मत्था नहीं टेकिया, इन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, इन्हों की बंदगी ने, इन्हों की भगती ने अज पूरे दुनिया च दस दिता भी ये तीन नौजवान परमेश्वर की बंदगी करने वाले ने। राजे ने खुद अपनी अखा ने वेख्या, इन्हें मूर्ति मत्था नहीं टेकिया, बन के सुटे गए ने। 3 घंटे बाद राजे ने वेख्या सुटे 3 जने 4 जने उत्थे हो गए, चौथा कौन ही, परमेश्वर। इदा की जिंदगी होनी चाहिए, भगती वाली जिंदगी होनी चाहिए आ, पवित्रताई वाली जिंदगी होनी चाहिए आ। इन्हां लोगों ने वेखो सिस्टम बदल के रखता, पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रखता। अज अपनी मर्जी ना पढ़ लिखना वा, अपनी मर्जी ना नशे ला लिया, अपनी मर्जी ने शादी करा लिया, माँ बाप गरीबी दे विच पुराने कपड़े पा पा के बच्चे नूं पढ़ाउंदे आ, कोर्स कराउंदे आ, बच्चे अपनी मर्जी ना शादी कर लैंदे आ, वो चलदियां फिरदियां लाशां बन जांदे ने। वेखो इन्हां ने अपने माँ बाप का नां रोशन किया, इन्हां दा भी इतिहास वेखो पूरी दुनिया बाइबल दे विच लोग जानदे आ। ये भी तो 3 नौजवान आ जिन्हां दा ध्यान परमेश्वर दे वल आ, किसी भी जिंदगी दे विच कोई इन्हां बुराई नहीं की। आपां जदों 1 सैमुअल 17 दे पढ़दे आ दाऊद दे बारे, कि दाऊद ने छोटी जी उम्र दे विच गोलियत नूं मारिया, दाऊद ते परमेश्वर दा मसा ही, इहदा मतलब साडे उत्ते परमेश्वर दा आत्मा, परमेश्वर दा मसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा तो बिना इंसान एक मुरदा वा, कदी भी शैतान उहदी जिंदगी बर्बाद कर सकता, इसलिए साडे उत्ते परमेश्वर दा मसा होना जरूरी है। दाऊद दे उत्ते परमेश्वर दा मसा ही, उन्हें गोलियत नूं हराया, उन्हें अपने देश नूं आजाद किया, उन्हें परमेश्वर दा नाम उच्चा किया। उहदे बाप ने उहदे भरावां नूं रोकिया सी, पर जिहड़ा मसा ही, शाऊल जानता सी भी गोलियत नूं कोई नहीं हरा सकता, पर परमेश्वर ने दाऊद दे द्वारा वधिया काम किया। इसलिए साडे जरिए परमेश्वर वधिया काम करेगा, कर सकता वा, जे साडी जिंदगी पवित्र होवे, जे साडा परमेश्वर वल ध्यान होवे। हाँ जी, लैन अगली सुननी है जी, बाणी उपदेशक 12 दे दे पहले वचन, अपनी जवानी दे दिनी अपने करतार नूं याद कर, चेते रख, जदकि वह माड़े दिन नहीं आए अते वह वरे अजे नहीं पुजे जिन्हां विच तू आखेंगा कि मैनू कोई खुशी नहीं आ। अज नौजवान जिहड़े खुश नहीं आ, बाहर जाते वापस आ जाते, काम से जाते वापस आ जाते, माँ बाप ना धोखा करते, नशे करते, उम किया जी इन्ने साल पैसे नहीं मिले,
वो ठेकेदार पैसे नहीं दिंदा, वो कंपनी वाला पैसा नहीं दिंदा। मेरे भाइयो मेरी भैनों परमेश्वर जानदा, बाणी कहिंदी आ परमेश्वर एक एक गुजी गल दा न्याय करेगा। तुसी अपनी जिंदगी च की कर रहे हो, अपनी जिंदगी तुसी किस तरह जी रहे हो, यह हर गल दा न्याय होना। जिफ्ता दी धी उहदे बाप ने आख्या मैनूं पहला मिली आ, हुण बली इहदी दित्ती जाऊ। उहने अपने बाप दे हुक्म नूं सिर मत्थे स्वीकार किया, सिर मत्थे कबूल किया। मां बाप की आज्ञाकार वाले बच्चे होने चाहिए ने। यह नहीं भी बेटी नूं पढ़ा लिखा के कोर्स कर अपनी मर्जी नाल शादी करा ली, नहीं, मां बाप की मर्जी नूं पूरा करना, मां बाप के हुक्म दे विच चलना, अपनी मर्जी नाल कोई काम नहीं करना। जो बाप मां करदे आ अपने बाप की अपनी मां की सिक्ख्या सब तो चंगी आ। आ जिहड़ी बाणी आ वेखो सानूं पहला तिमोथी 4:11 वचन विच वचन कहिंदा कि लोकां दे अगे नमूना बनना, कोई तेरी जवानी नूं तोश ना जाने। तिमोथी 2:22 वचन विच कहिंदे ने जवानी दी कामना तो भज। अपनी जिंदगी च बुरे काम तो सारे करदे ने, पर चंगा उही काम कर सकदा जिहदे दिल विच शौक होवे। इसलिए आपां जदों इह च पढ़दे आ रसूलां दे करतब दे विच, पलूस ते सिलास जेलखाने विच बंदगी करन डए ने, फड़े गए ने। फड़े कातों गए जी, तुसीं लोकां नूं होर के पंथ विच रलाउंदे हो। फड़े गए ने, कोई सुनने वाला नहीं, कोई उन्हां दे दिल च डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हां दे नाल ही, आत्मा परमेश्वर दोनों दे विच ही। बंदगी करन डए ने 250 कैदी रात नूं सुन रहे ने, सुनदे गए जीवन उन्हां दा बदल गया। दरोगा भी दूर खड़िया बड़े गुस्से विच वेखण डिया, उन्हूं भी आत्मा ने छू लिया। जदों आत्मा की अग आई उन्हूं भी छू लिया, उहदा भी जीवन बदल गया। उसे रात उन्हें तौबा की, बपतिश्मा लिया, उसे रात लिखा उन्हें वड्डी खुशी की। इसलिए तुहाडी जवानी रूहां बचाउण वाली होनी चाहिए आ, अपने जीवन दे विच अपने कम्मां तों अपने परिवार नूं बचाओ। बाणी च लिखा प्रभु यीशु ते नेचा करता तूं अदा तेरा घराणा बचाए जाओ। नौजवानों नूं चाहिए बाणी पढ़न, तौबा करन, बपतिश्मा लैण, कुछ करके दसन दुनिया दे विच। बुरे काम करने ते हर एक दे वस दी गल है, पर आत्मक जवानी बाणी दे मुताबिक चलना, यीशु दे नाम नूं उच्चा करना बहुत वड्डी गल आ। धरती ते भी बरकतां मिलणगियां, असीसां मिलणगियां, तरक्की होवेगी। मरण तो बाद भी उस थां ते परमेश्वर लै जाएगा जिथे दुध शहद नदियां ने, जिथे जीवन का ताज मिलना, जिथे परमेश्वर ने आप अखियां तो हंजू पूजने ने। इसलिए नौजवानों परमेश्वर दे विच अगे वधो, तौबा करो, बपतिश्मा लो, मां बाप नाल धोखा ना करो, नशे च अपनी जिंदगी ना गुजारो। बेटियां नूं भी मां बाप बड़ी मुश्किल नाल पढ़ाउंदियां, पर की करदे बाद विच बच्चे अपनी मर्जी नाल शादी करा ली, अपनी मर्जी नाल जिधर मर्जी चल गए। नहीं, मां दी बाप दी आज्ञाकारी बहुत जरूरी आ। यीशु मसीह वेखो सानूं समझाउंदे ने दिन माड़े आउणे ने, फिर तुसीं रोणा वा करलाउणा, किसे ने तुहाडी आवाज़ नहीं सुननी। इसलिए नौजवान भैणां नूं भाइयां नूं मैं ही तगीद करूँगा कि प्रभु दे विच चलो, तौबा करो, बपतिश्मा लो, अपने मां बाप की इज्जत वधाओ। जे मां बाप ने तुहानूं पढ़ाया वा तो एवें नशे च ना पाओ, एवें गलत कम्मां च ना पाओ, पवित्र आत्मा दे द्वारा जिंदगी गुजारो, ताड़ी भी इज्जत वधेगी, तुहाडे मां बाप का भी नाम रोशन होएगा, तो होर की उपरों बरकतां तीसरे आकाश तो होणगियां। सो प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे, बहुत सीस देवे। मेरी यही दुआ कि प्रभु तुहानूं चुण लवे और तुसीं धरती के बहुत सारे लोगों नूं बचाउण वास्ते तैयार हो जाओ। यही परमेश्वर की मांग आ, परमेश्वर यही चाहुंदा, क्योंकि कहिंदा कि सद्दे होए तो बहुत ने पर चुणे होए की आ थोड़े। सद्दियां विच गिणती नहीं करवाउणी, चुनिया होयां दे विच गिनती करवाउणी आ। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवेगा, प्रभु तुहानूं बहुत असीस देवेगा, तुहाडी बहुत तरक्की होएगी। प्रभु दे विच चलो, तौबा करो, बाणी पढ़ो ते प्रार्थना विच अपनी जिंदगी गुजारो। नौजवानों नूं तां वेखो बाणी विच लिखिआ हे जवान अपनी रोटी पाणी उत्ते सुट दे। इहदा मतलब है कि तूं जवान वा, तैनूं कोई कारोबार करन दी लोड़ नहीं आ, तैनूं कोई जॉब करन दी लोड़ नहीं आ, तूं भगती करी चल, बंदगी करी चल, तैनूं कोई कमी नहीं रहेगी। रूहां बचाउण की जिम्मेवारी चुक, रूहां बचाउण का मकसद तेरा होना चाहिए, रूहां बचाउण का तेरी जिंदगी का विशा होना चाहिए। पैसे कमा लो, अज लोग की समझते हैं, बच्चों पैसे कमाने वाली मशीन समझते, उधर चल जाओ, उस मुल्क चल जाओ, आह जॉब कर लो, आह कर लो, पैसा कमाओ, जिदा मर्जी ले जाओ। नहीं, पैसे दे नाल नहीं, परमेश्वर की आत्मा द्वारा काम होंगे ने, परमेश्वर की आत्मा द्वारा खुशी मिलती आ, परमेश्वर की आत्मा द्वारा बरकत मिलती आ। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवेगा, प्रभु दे विच अगे वधो। सो आए हो सारे भैणां भैणां नूं साडे वल्लों जय मसीह।